तो हेलो जी, नमस्कार जी आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए गाइस, टाइम है सुबह सुबह का ही, लगभग 5:30 बजे का टाइम है और मेरी घर अंदर वाली क्लीनिंग हो चुकी है। मैं उठ गई थी लगभग 5 बजे से पहले, तो मेरी अंदर वाली क्लीनिंग हो चुकी है और ये बाहर वाली क्लीनिंग जो है हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि अंदर वाली क्लीनिंग जो है मेरी कंप्लीट है और सुबह सुबह जो है आप लोग सभी लोग जो है सुबह सुबह अगर सूर्य निकलने से पहले झाड़ू लगा देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे मेरी जो है दादी जी कहते थे कि सुबह सुबह ही जो है लेडीज़ लोगों को सुबह सुबह ही झाड़ू लगा देना चाहिए अपने घर में। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही अपने घर को क्लीन कर देती हूँ। कभी कभी ना हो तो ऐसा कभी कभी होता है, वरना हर वक्त मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ कि सुबह सुबह ही मैं क्लीनिंग कर लूँ। तो देखिए अभी सुबह नहीं हुई है और टाइम 6 बजने वाले हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी पशुशाला में। तो चलिए उससे पहले हमाम जगा लेते हैं। तो हमाम में जो कूड़ा वगैरह, कागज़ प्लास्टिक के लिफाफे वगैरह जो भी होते हैं वो इनको मैं अब हमाम में जला करके लकड़ियाँ वगैरह लगा के जो है पानी गर्म कर लेते हैं। उसके बाद गाइज मैं डाल रही हूँ भैंसों को दाना। तो दाना जो मैंने शाम को भीगने नहीं डाला था, लेकिन ये अभी मैं डालूंगी और 5 मिनट में ये भीग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम पशुशाला वाला। तो चलिए वीडियो को आप इंजॉय कीजिए। निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो भगवान से ऐसे ही सुबह सुबह प्रे कीजिए कि दोनों हाथ भगवान ने हमें दिए हैं तो हम इन हाथों का यूज़ करें काम करने के लिए और किसी का भी बुरा ना करें और सदा खुश रहें और मेहनत करें अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, और आगे बढ़ें। यही भगवान से इच्छा, मतलब मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और मैं कभी भी मतलब ऐसे इधर उधर की बातों में ध्यान कम देती हूँ और अपने काम की तरफ मेरा जो है ज़्यादा फोकस होता है। तो देखिए दूध जो है निकलना स्टार्ट हो गया है।
तो उसके बाद करेंगे हम दूसरे काम, तो बने रहना वीडियो में। अब जो है मैं इस छोटी बच्ची को जो है ये तेल और अजवाइन का घोल जो मैंने बनाया है वो मैं से 2 चम्मच पिला दूंगी। इसको पिलाने से या मतलब इनमें जो पशु के बच्चे जो होते हैं इसमें उनमें जो जुएं वगैरह या कीड़े कुछ भी जैसे चच्चड़ या पीतड़ कुछ भी नहीं पड़ते हैं, और पेट भी इनका अच्छा रहता है साफ़, और मतलब पाचन तंत्र भी इनका अच्छा रहता है इसलिए, और ताकत भी इनको मिलती है। तेल और इसको अजवाइन का जो है मिक्सचर में 2 चम्मच इसको ही पिला दूंगी और इसके ऐसे सहला दूंगी पेट को। तो देखिए, तो चलते हैं अब घर में, तो हो गई है सुबह, तो चलते हैं घर में और करते हैं घर का काम, खाना वगैरह बनाना, और दूध जो है लेने वाले लोग आ जाएंगे उनको दूध देंगे हम, और दूसरे बहुत सारे काम होते हैं, लेडीज़ को पता होता है घर के कितने काम होते हैं, तो वो करेंगे हम। और गाइज ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, उस मतलब पिछले कल जो मैं बताने वाली थी आपको दूध निकालना, तो वो मैं नहीं बता पाई क्योंकि वीडियो मैं चला दी और ऑन ही नहीं की और याद से भूल गई, तो बट आज मैंने आपको बता दिया कि मिल्किंग कैसे करते हैं। तो चलिए, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। तो इसी के साथ मेरा बसदा रहे हिमाचल, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो, बाय।